एक बायोस्टेट में है एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन को जानने से पहले आप ये सीख लें कि हमारे पास जो स्टेटिस्टिक हैं, बॉय स्टेटिस्टिक या अनॉर्मल स्टेटिस्टिक, वो उसके दो टाइप हैं। फर्स्ट हैं डिस्क्रिप्टिव और दूसरा है इन्फेरेंशियल, सही है। और फिर इन्फेरेंशियल में हमारे पास एक एस्टिमेशन है और एक इन्फेरेंशियल स्टेटिस्टिक है, सही है। तो आज हम पढ़ते हैं एस्टिमेशन के, एस्टिमेशन क्या होता है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं बायोस्टेट में। एस्टिमेशन में हमारे पास एस्टिमेशन के दो टाइप हैं, एक है पॉइंट एस्टिमेशन, इसके हमारे पास दो टाइप हैं, एक है पॉइंट एस्टिमेशन, पॉइंट एस्टिमेशन, और दूसरा हमारे पास है इंटरवल एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन। अच्छा, पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एस्टिमेशन? एस्टिमेशन का मतलब है अंदाज़ा लगाना। अगर आपको कोई कहे कि आपका जो ईटा का टेस्ट है उसके टोटल मार्क्स 800 हैं और आप ईटा के स्टूडेंट हैं, आपको कहे कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, अगर टोटल मार्क्स जो उसके हैं वो हैं 800, और कोई आपसे कहे कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, और आपको कहे कि मेरे मार्क्स आएंगे वो आएंगे 515 मेरे मार्क्स आएंगे, एग्जैक्ट नंबर आप बता दे, एग्जैक्ट पॉइंट बता दे, तो ये पॉइंट एस्टिमेट हुआ। टेस्ट होने से पहले मीन्स आपने अंदाज़ा लगाया कि मेरे 515 मार्क्स आएंगे, तो ये आपके पास पॉइंट एस्टिमेशन हुआ। इंटरवल एस्टिमेशन क्या है कि जब कोई आपसे पूछे कि टेस्ट के टोटल मार्क्स जो हैं वो हैं 800, आपके कितने मार्क्स आएंगे, तो आप उसे कहेंगे कि मेरी जितनी तैयारी है उसी के मुताबिक मेरे मार्क्स आएंगे 500 to 550, मीन्स 500 से लेकर 550 तक, इनके दरमियान में मेरे मार्क्स आ सकते हैं। तो ये आपके पास हो गया इंटरवल, क्योंकि इंटरवल में ये हमारे पास लोअर लिमिट हैं और ये हमारे पास अपर लिमिट हैं, सही है। तो इंटरवल एस्टिमेशन में एक लिमिट आप देते हैं, एक रेंज होता है, और पॉइंट एस्टिमेशन में आप उसको एग्जैक्ट वैल्यू बताते हैं कि नहीं, मेरे मार्क्स जो होंगे वो एग्जैक्ट इस नंबर में आएंगे। अच्छा, एस्टिमेशन हम क्यों करते हैं बाय स्टेट में? ऐसी बात है कि पॉपुलेशन के हमारे पास मीन मालूम करना, स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करना और बाकी पॉपुलेशन के पैरामीटर मालूम करना, वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम सैंपल के स्टेटिस्टिक्स से पॉपुलेशन के पैरामीटर मालूम करते हैं। अब आप यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि हमारे पास जो सैंपल के स्टेटिस्टिक हैं, सैंपल के जो स्टेटिस्टिक हैं उसमें क्या है हमारे पास, सैंपल मीन, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन और सैंपल प्रोपोर्शन। तो हम क्या करते हैं कि हम इनसे इस्टीमेट करते हैं पॉपुलेशन मीन, हम इससे इस्टीमेट करते हैं पॉपुलेशन मीन, क्योंकि पॉपुलेशन, फुल पॉपुलेशन को लेना, उसकी स्टडी करना मुश्किल होता है, तो इसलिए हम पॉपुलेशन का मीन एस्टिमेट करते हैं सैंपल के मीन से, सैंपल के स्टैंडर्ड डिविएशन से हम पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन एस्टिमेट करते हैं, और सैंपल के प्रोपोर्शन से हम पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन एस्टिमेट करते हैं। सो वी एस्टिमेट दीज थ्री दैट आर पॉपुलेशन पैरामीटर फ्रॉम दीज थ्री, और इसको कहते हैं एस्टिमेशन, सही है। इसके लिए हमारे पास अपना एक तरीका है, अपना एक फार्मूला है, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आप लोग के लिए। अच्छा, अभी हम इंटरवल एस्टिमेशन पढ़ते हैं कि हम किस तरह इंटरवल एस्टिमेशन मालूम करेंगे। अच्छा, इससे पहले इसमें हमारे पास ये फार्मूला जो यूज़ होता है इसके लिए, इंटरवल एस्टिमेशन के लिए, ये पॉपुलेशन का मीन जो हम सैंपल के मीन से एस्टिमेट करते हैं, इसका हमारे पास जो फार्मूला है वो है एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इनटू सिग्मा डिवाइडेड बाय एन अंडर द रूट। अच्छा, ये तो इसमें हमारे पास इसका तो हमें पता है, ये मीन ऑफ सैंपल, सही है। अच्छा,
जेड अल्फा डिवाइडेड बाय टू हम कहाँ से मालूम करेंगे? तो इस अल्फा को कहते हैं, अल्फा हमारे पास जो ये कॉन्फिडेंट लेवल हैं, अल्फा ये हमारे पास इसके तीन वैल्यू हैं। अल्फा जो हो हैं ये 90% भी हो सकता है, ये हमारे पास 95% भी हो सकता है, और ये 99% भी हो सकता है। जो मैक्सिमम यूज़ किया जाता है कन्वेंशनली वो 95 है। अब जेड अल्फा डिवाइडेड बाई टू, तो इसके लिए ये 90% के लिए जेड अल्फा डिवाइडेड बाई टू की वैल्यू कितनी है? 90% के लिए जेड अल्फा डिवाइडेड बाई टू की वैल्यू है 1.64। 95% के लिए जेड अल्फा डिवाइडेड बाई टू की वैल्यू है 1.96, और अल्फा 99 के लिए हमारे पास जेड अल्फा डिवाइडेड बाई टू की वैल्यू है 2.57। तो ये तीन वैल्यू आप लोगों ने रटा करने हैं कि जेड अल्फा डिवाइडेड बाई टू की वैल्यू 90 के लिए 1.64 है, 95% के लिए 1.96 है, और 99% के लिए 2.56 है, और ये हमारे पास कॉन्फिडेंट लेवल है कि जब आपको अल्फा 90% दिया गया होगा, इसका मतलब ये होगा कि आप इस एस्टिमेशन का जो आपने एस्टिमेट लगाया हुआ है क्वेश्चन का डेटा का, वो उस पर आप 90% श्योर हैं। 10% आपके पास एरर है और अल्फा 90 है तो आप 90% श्योर हैं। जब अल्फा 95 होगा तो इसका मतलब होगा कि आप 95% श्योर हैं, और जब अल्फा 99 होगा तो इसका मतलब होगा कि आप 99% जो इस्टीमेट आपने लगाया है आप उस पर श्योर हैं। और ये जो जेड अल्फा डिवाइड बाय 2 इसकी कैलकुलेशन है, लेकिन वो लेंथी है, तो आपने ये याद करना है कि हमारे पास 90% के लिए जेड अल्फा डिवाइड बाय 2 1.64, जेड अल्फा डिवाइड बाय 2 95 के लिए 1.96, और जेड अल्फा डिवाइड बाय 2 2.57 है हमारे पास अल्फा के लिए। सही है, तो ये आपको अल्फा की जेड अल्फा डिवाइड बाय 2 की वैल्यू आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं इसके फार्मूले पे। अच्छा, इसको सीखने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हम कर लेंगे तो आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी कि हम एस्टिमेशन किस तरह लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन डेटा है वो लिखा हुआ है कि मीन ऑफ सैंपल 47.5, जो सैंपल का मीन है वो 47.5 है ml पर kg। सही है। अच्छा, दूसरा जो स्टैंडर्ड डिविएशन है सैंपल का या पॉपुलेशन का, वो हमारे पास गिवन है 4.8 ml पर kg। ये स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है, कॉन्फिडेंट इंटरवल मीन्स अल्फा, वो हमारे पास हैं 95%। अल्फा की जो वैल्यू है वो है 95%। अब ये कहते हैं कि बेसिकली ये क्वेश्चन है कि हमारे पास जो जागलर होते हैं, जागलर जो एथलीट वगैरह, उसमें ऑक्सीजन कंजम्पशन कितनी है? जागलर में हमारे पास ऑक्सीजन कंजम्पशन इन जागलर्स वो कितनी है हमारे पास? ये हमारे पास क्वेश्चन है, और जो ऊपर डेटा दिया हुआ है ये इसका डेटा है। ऑक्सीजन कंजम्पशन हमारे पास जागलर में कितनी है ये क्वेश्चन हम मालूम करते हैं, और इसमें ये दिया है कि मीन ऑफ सैंपल हमारे पास 47.5 है, और स्टैंडर्ड डिविएशन 4.8 है, कॉन्फिडेंट इंटरवल 95 है, और सैंपल साइज जो है वो है हमारे पास 30 सैंपल साइज हमारे पास 30 है, और हमने ऑक्सीजन कंजम्पशन मालूम करनी है। तो ये हम इस्टीमेट लगाते हैं और इससे हमारे पास एक इंटरवल आएगा। यहाँ पे हम हल करते हैं इसको। हमने क्या मालूम करना, हमने क्वेश्चन यहाँ पे हमने ऑक्सीजन कंजम्पशन मालूम करनी है। अच्छा, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है कि मीन एस्टीमेट इज इक्वल टू एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा डिवाइडेड बाय टू
इन टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एन अंडर द रूट। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, एक्स बार की वैल्यू हमारे पास 47.5 है, प्लस माइनस जेड अल्फा डिवाइड बाई 295 के लिए हमारे पास कितना है, जेड अल्फा डिवाइडेड बाई 295 के लिए हमारे पास है 1.96। तो वो यहाँ पे हम पुट करते हैं 1.96 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा जो है वो है 4.8 डिवाइडेड बाई 30 अंडर द रूट। तो इससे हमारे पास वैल्यू आती हैं, इससे जो हमारे पास वैल्यू आती हैं यहाँ पे, तो ये प्लस माइनस उसके साथ, अच्छा ये जो डेटा है इसको हम कैलकुलेट कर लें, इससे हमारे पास जो आंसर आता है तो उसके साथ जब हम 47.5 ऐड कर लें, इसको कैलकुलेट करने में जो हमारे पास आंसर आते उससे हम इसको ऐड कर ले तो हमारे पास वैल्यू आती है 49.22। अच्छा, और इससे जो क्वेश्चन आंसर आते हैं उसको अगर हम इससे माइनस कर ले तो हमारे पास वैल्यू आती है 45.78। तो ये हमने एक एस्टीमेट लगा लिया कि ये जो हमारे पास ऑक्सीजन कंजम्पशन है वो हमारे पास बराबर है इस 45.78 से लेकर 49.22, या इतनी कंजम्पशन होगी या इतनी होगी या इनके दरमियान में होगी। तो ये हमारे पास आंसर हो गया इंटरवल एस्टीमेशन का। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे कि वी हैव 95% कॉन्फिडेंट इंटरवल दैट कॉन्फिडेंस दैट द ऑक्सीजन कंजम्पशन ऑफ दीज 30 जॉगलर दैट हैव अ मीन ऑफ 47.5 हैव स्टैंडर्ड डिविएशन 4.8 हैव अ कॉन्फिडेंट लेवल 95% दैट देयर ऑक्सीजन कंजम्पशन आर आइदर दीज आर दिस आर इन बिटवीन देम। सही है, ये हमारे पास लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास एस्टीमेशन में आते हैं, हम एस्टीमेशन में इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को कह दूं कि ये जो फार्मूला हम एस्टीमेशन में यूज़ करते हैं ये दो तरह के फार्मूले इसमें यूज़ होते हैं। पहला फार्मूला जो हमारे पास है कि मीन का जो हम एस्टीमेशन लेते हैं तो इसका फार्मूला इस तरह है, एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई एन अंडर द रूट। ये कब हमारे पास, जब हमारे पास सैंपल साइज जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 30 होगा। जब हमारे पास सैंपल साइज होगा 30 से कम, अगर हमारे पास सैंपल साइज जो है वो हैं 30 से कम, तो उसमें हमारे पास ये फार्मूला जो है ये इस्तेमाल नहीं होता। तो हम यहाँ पे ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जब हमारे पास सैंपल साइज जो है वो 30 से कम होगा उसके लिए फार्मूला यूज़ होता है कि जेड अल्फा 2 प्लस माइनस टी अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इनटू सिग्मा डिवाइडेड बाई एन अंडर द रूट। तो उसमें हम टी टेबल यूज़ करेंगे, जेड टेबल हम यूज़ नहीं करते। कब, जब हमारे पास जेड की वैल्यू जो है वो, जब हमारे पास सैंपल साइज की वैल्यू वो 30 से कम आ जाए तब हम टी टेबल इस्तेमाल करते हैं और इस पर हम क्वेश्चन करते हैं कि टी टेबल हम कम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास एस्टीमेशन का। अब टी किस तरह हम वैल्यू, टी की वैल्यू हम किस तरह निकालते हैं, इस पर अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाए कि सैंपल साइज हमारे पास 30 से कम है, मींस सैंपल साइज अगर हमारे पास 30 से कम आ गया तो उसके लिए टी अल्फा डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू हम किस तरह मालूम करेंगे। उसके लिए सिंपल सा फार्मूला है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास सैंपल साइज है 25, सही है, और हम इसके लिए टी अल्फा डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू मालूम करते हैं। तो इसमें हमारे पास एक चीज़ आती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम करना है और उसका फार्मूला है एन माइनस वन, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला है। सही है, तो यहाँ हमारे पास एन है 25, तो अगर हम इसको मालूम करते हैं
25 माइनस 1, इससे हमारे पास आता है 24। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 24। और हमें पता है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो अक्सर हम 95% लेते हैं, तो 95%, तो इसके लिए अल्फा की जो वैल्यू है वो है 0.5%। ये 1 माइनस अल्फा जो है वो इतना हो गया, इसके लिए अल्फा की वैल्यू 0.5%। और इसको हम टेबल में मालूम करते हैं, टी का अपना टेबल होता है, तो ये हमारे पास मिसाल के तौर पर टी का टेबल है। अच्छा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 24 है, चूंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम आप देख सकते हैं 24 है, तो हम 24 के प्लस में फ्रंट में 24 के फ्रंट में और 0.5 के नीचे हम देखेंगे। तो 24 के फ्रंट में और 0.5 के नीचे हमारे पास जो भी वैल्यू आती हैं, जो भी वैल्यू हमारे पास आती हैं, उस वैल्यू को हम पुट करते हैं फार्मूला में। जो भी वैल्यू आती है हमारे पास आती हैं, वो वैल्यू हम पुट करते हैं इस्टीमेशन के फार्मूला में। और ये फार्मूला हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास सैंपल साइज़ जो है वो 30 से होगा कम, तब हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, टी वाला फार्मूला। तो चूंकि जेड अल्फा की वैल्यू तो है वो तो हम रटा कर लेते हैं कि 95% के लिए जेड अल्फा डिवाइड बाई 2 जो है वो हमारे पास है 1.96, लेकिन टी अल्फा डिवाइडेड बाई 2 जो है इसके लिए कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए वैल्यू हम इस तरह मालूम करते हैं कि जो सैंपल साइज होता है उससे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम कर लेते हैं इस फार्मूला से। इससे हमारे पास जो भी आंसर आ जाए, जो भी आंसर हमारे पास आ जाए, मिसाल के तौर पर अगर n हमारे पास 25 हैं और इसे हम माइनस तो ये 24 आ गया, तो 24 के फ्रंट में हम देखते हैं और जीरो, चूँकि हमारे पास 95 है तो इसके लिए अल्फा की वैल्यू 0.5 है, तो 0.5% के नीचे और 24 के फ्रंट में देखते हैं टी टेबल में। ये टेबल हमारे पास टी टेबल होगा, टी टेबल में, तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आती है उसको यहाँ पे फार्मूला में पुट करते हैं। बाकी वो सिंपल वो हैं, डिवीज़न वगैरह है, आप इसको कर ले। तो ये हमारे पास इस्टीमेशन है कि इस्टीमेशन में हमारे पास एक रेंज आ जाता है कि लोअर से लेकर अपर तक, तो हम ये इस्टीमेट कर लेते हैं कि जो हमारा आंसर है वो लोअर लिमिट से लेकर, इसमें हम ये इस्टीमेट करते हैं कि हमारे पास एक लोअर लिमिट आता है, एक लोअर लिमिट हमारे पास आ जाता है, सही है, और एक अपर लिमिट आ जाता है। तो हमारे पास जो आंसर होता है वो या लोअर लिमिट के बराबर होगा या अपर लिमिट के बराबर या इनके दरमियान में होगा। इस्टीमेशन पे यही इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर सैंपल साइज हमारे पास n लेस देन 30 होगा तो इसके लिए ये फार्मूला यूज़ होगा, और अगर सैंपल साइज हमारे पास 30 से ज़्यादा हैं, 30 या 30 से ज़्यादा हैं, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई एन अंडर द रूट। ये हमारे पास फार्मूला यूज़ होता है कब, जब सैंपल साइज हमारे पास 30 से ज़्यादा या 30 के इक्वल हो। ये हमारे पास इस्टीमेशन हुआ। इसमें भी अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम वगैरह हो तो आप कमेंट में या ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।